जवाब मिलने वाला है कि मैं पायल हरमान जी। गाइस आज मेरी मुर्गी पर बहुत खुश है। तो आज घर में बनने वाले हैं वड़ा पाव। माय पकोड़ा यू इट लाइक दिस। गंदी लड़की। घर में बना दे मम्मी ने मुंबई। यार पायल तुझे एक बात बोलूं? हाँ। थोड़ा ऐसे 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 करने में जंबो वाला भी मंगवाया हमने। मैं घर का मर्द हूँ। मैं हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा। नाम गेला मां बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है घर की साफ सफाई से, क्योंकि काफी दिन हो गए थे। घर में जो सामान है ना वो सेट नहीं गया था, और सामान जो है अगर सेट नहीं करते ना हफ्ते दो हफ्ते के अंदर तो पूरा घर ऐसा मैसअप हो जाता है बहुत ही ज्यादा। तो अभी मैं फिलहाल जो है यहाँ पे आधे से ज्यादा अलमारियां सेट कर चुकी हूँ, पर मैंने व्लॉग जो है थोड़ा लेट शुरू किया, क्योंकि अगर व्लॉग में लग जाती ना तो मेरा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये वाली जो अलमारी पूरी अच्छे से सेट कर रही हूँ। अभी ये रह गई है बस। यहाँ नाइट सूट थे पहले, वो नाइट सूट हटा के वापस जहाँ पे थे वहीं लगा दिए। भाई ये रहा फुल ऑफ आयरन पायल का पालक का जूस, और ना मेरे लिए है प्रोटीन, क्योंकि ये ना पालक का जूस नहीं पीती है। गंदा लगता है मुझे, गंदा लगता है। पर गाइस आप सोचते हो ना कि पायल ने इतनी जल्दी वेट कैसे रिड्यूस किया, मैंने अपनी जीप पे ना बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ। मैंने करा 80% करा, 20% हो नहीं पाता। बता क्या करूँ अब? ये कर के वहाँ पे जो हमने ऐसे सूट ढूंस दिया था ना वो सारे सूट लेके मैं यहाँ लगाती हूँ, और यहाँ पे जो अब सूट नहीं चाहिए ना फाइनल में निकाल रही हूँ। ठीक है, आर यू फाइनल? फाइनल। तो गाइस पूरी अलमारी हो गई है अच्छे से सेट, आप देख सकते हो। देखो ये पूरी अलमारी ना सेट हो गई है। तो बस अभी एक आधी चीज है जो समझ नहीं आ रही, तो ये वाली जो जीन्स है ये चीकू के पापा की है, पता नहीं इधर क्या कर रहे, तो उनके वहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे ड्राई क्लीन वाले कपड़े रखे, जितनी हमारी शर्टें है, इधर मेरी पायल की पैंट्स ट्राउजर सब, और यहाँ पर जो पट्टा है ना वो पट्टा रख देती हूँ दूसरी अलमारी में, और ग्लव्स भी। और ये मेरे जिम के ग्लव्स है, मैं कल जिम में जा रही थी तब मेरे को ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, ये ऊपर रखवा कर आती हूँ। तो मैंने सोचा हम लोग ना डाइट पर अगर हम ना रोज अगर एक ही चीज खाएंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे, फिर डाइट करने का मन नहीं करेगा। तो मैंने स्पेशली ना होल वीट वाला पास्ता मंगवाया है, ठीक है, पैनी पास्ता मंगवाया है, और इसको हम बनाएंगे खाएंगे। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीजें देखती रहती हूँ डाइट की, तो मैंने देखा कि फॉरनर्स होते हैं ना सब कुछ खाते हैं, तो इसमें सॉसेस कम होती है, वेजेस ज्यादा होती है। तो अभी ट्राई करेंगे, जिस दिन मैं पास्ता बनाऊंगी ना उस दिन आप लोगों को ना इसकी जो रेसिपी ना वो भी दूंगी, ताकि आप लोग भी खा सको ये वाला पास्ता। तो आज ना घर में बहुत सारी साफ सफाई हुई थी, तो इतने सारे हैंगर मिल गए, तो ये सारे हैंगर ना यहाँ पे लगा दूंगी। और ना मैं सोच रही हूँ कि ना अपने जो अलमारी है जहाँ पे मेरा और पायल का छिपके पापा वार्डरोब है ना, वहाँ पे बड़े सारे ना कॉट सेट पड़े हुए हैं ऐसे, मैं और पायल पहनते नहीं है ऐसे रखे हुए हैं, तो वो भी निकाल देती। वाह वाह वाह, सारा सामान फैल रखा है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे इतना सामान सेट होगा, पर ये सारे ड्राई क्लीन के कपड़े हैं जो अभी तक लगे नहीं है, सब कपड़ों को लगाना है। तो गाइस इस घर में इतना काम है ना, मतलब अगर आप पूरा दिन भी काम करोगे ना तब भी काम खत्म नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ बन रहा है, तो ये ना बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सरप्राइज आने वाला है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। इस सरप्राइज में आपको हम तीनों दिखेंगे, और बहुत कुछ डिफरेंट दिखने वाला है। काफी सारे लोगों की क्वारीज थी कि आप लोग पतले कैसे हुए, तो बस आपको इस चीजों का जवाब मिलने वाला है कि मैं पायल हरमान जी पतले कैसे हुए हैं। तो बस स्टे ट्यून, बहुत ही जल्दी बहुत कुछ नया लेके आने वाले। गाइस आज मेरी मुर्गी पर बहुत खुश है, क्योंकि आज ये नई नई गली है, इतनी प्यारी खुशबू। तो गाइज इस सबको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे मुंह में तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। मैं इनफैक्ट एक खा भी चुकी हूँ मिर्ची के साथ, नॉट टेस्टी, मजा आ गया। तो ये है वड़ा, ये है मिर्ची, मेरे तो फेवरेट है मिर्ची, और यहाँ पे है ब्रेड पकौड़े। तो आज घर में बनने वाले हैं वड़ा पाव। हम खाएंगे वड़ा पाव, कि मुंबई के वड़ा पाव इतने टेस्टी होते थे, टेस्टी वैसे तो नहीं बन सकते, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं वैसा बनाने का। तो अभी ये तैयारी हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे हमारी जो तूबर आनी है वो भी नहा ली है, देखिए नहा दो के एकदम छिला हुआ अंडा, एकदम छोटा सा अंडा बन गया भाई, ये छोटा सा मुर्गी का अंडा। और बताओ कैसे हो? ये रे बच्चे नहाए धोए हैं। नानी कब आओगे? नानी नानी तो बहुत आती है। नानी बिग गर्ल हो गई हूँ मैं, बिग गर्ल। इसके इसके पियर्सिंग पे आना, मम्मी पियर्सिंग का कुछ अच्छा सा फंक्शन टाइप का करेंगे ना। अच्छा हाँ, पहले जैद का आएगा, फिर पहले पायल का आएगा, पहले पायल का आएगा। ठीक है, नहीं नहीं मनाएंगे पहला बर्थडे मम्मी, हमारा नहीं मनाएंगे अब हम अपना सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे, सिर्फ बच्चों का सेलिब्रेट होगा। बताओ यार मम्मी एक साल के भी होने वाले हैं, हैं? पता चले? नहीं पता चला, कभी कभी तो चलता है पता। रात को पता लगता है, रात को। आठ दांत की मालकी ने नानी को निकाल लो बाहर फोन में से, निकाल रही है आपको फोन में से। मम्मी आपको फोन से खरोच रही है, अभी भी ऐसे करती है मम्मी। माय पकोड़ा यू इट, आई सेड दैट माय पकोड़ा नोबडी ईट।
why you eat my pakoda? My pakoda is very much mirchi. How you eat? Like this? Like this? You like this? Pav bhaji ka bun? That there. Your brother's ka bun? You want to eat? Then you can hold it. My English very, very nice. I teach you how to speak in English. Okay? Your first word is English. Isne bhi khaya hai. You also eat. You are the... like this? Rona Sona? No? My baby is eating. Why you are pushing this pav bhaji? No? You eat? Eat. No eat. Only chinning. No chinning. My baby is eating. Oh no! गंदी लड़की ऐसे कौन करता है भाई के साथ मुक्का मार के पेट तोड़ूंगी मुक्का मार के तो थोड़ा थोड़ा खाते है थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं बांटते मुंह में तो यहाँ डाइट कर के मर गए और ये बड़ा पाव खिला रही है मिर्ची भी साथ ही सेम खिला सेम है ना खा के देखिए मुंबई में मिलता है ऐसा घर में बना दे मम्मी ने मुंबई तो भाई पहले तो पालक का जूस पिलाया इन्होंने मुझे अभी ये क्या है मुझे नहीं पता पायल बताएगी अब किचन बन रही है वहाँ पे रोज ये वाली डाइट अलग अलग डाइट आपको देखने को मिलने वाली है फैमिली फिटनेस में जो आप देख रहे हैं ब्लॉग वाली क्या भाई ये है रागी के आटे की रोटी ये गेहूं का आटा नहीं है मिक्स आटा नहीं है कोई नहीं ये बहुत हेल्दी होता है डाइट के लिए जो डाइट करते हैं ना वही खाते हैं साथ में ब्रोकली और पनीर है साथ में कर्ड स्नैपचैट भी डाल देता हूँ जिन्होंने स्नैपचैट आईडी फॉलो नहीं की अब तक कर लो क्योंकि मैं ब्लॉग से पहले ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ डाल देता हूँ तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है जो देखेगा ना स्नैपचैट पे पानी आ जाएगा मुझे तो आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था एक चीज का वैक्यूम वाले बैग्स का तो हम लोगों ने सिर्फ ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ना वीडियोस देखी थी कि बहुत सारा भारी भारी सामान होता है ना तो वो ऐसा होता है और फिर बैग में डालने के बाद ना एकदम फुस हो जाता है तो इससे क्या होता है ना जगह कम घिरती है तो हमारे घर में इतना सामान होता है तो हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तो मैंने ना अमेजोन से मंगवा तो लिया इसे बोलते हैं वैक्यूम स्टोरेज बैग पर इसे यूज कैसे करते हैं हमें पता नहीं है तो अभी ना मिलके करते हैं यूज और आज ना मजा आ जाएगा कोई नई चीज ट्राई करेंगे तो सबसे पहले लिखे हाउ टू यूज पैक करो हमने कर दिया पैक फिर कह रहे जिप करो एक मिनट रुक जा हाँ तू ये क्या कर रही है एक मिनट इसको ना थोड़ा बांध के रखते ताकि बार बार इसकी फोल्डिंग खुले ना ठीक है पकड़ लिया तो हम इसको सबको हमें चुनियों से बांधना पड़ेगा नहीं ये थोड़ा बड़ा है ना यार तुम्हें पहले थोड़ा सेफ्टी पर्पज के वजह चल यहाँ से बांध दो तरफ से बांध यार पायल तुझे एक बात बोलूं ये 500-600 रुपए का सामान है इससे नुकसान मत करियो चुपचाप थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी पर हो जाएगा ज्यादा बड़ा है क्या ज्यादा बड़ा है क्या और क्या छोटा ब्लैंकेट लेके आओ तुम तो इसमें आदमी डाल लो पूरा दूसरा लगा के ठीक है लेके आ मेरे चद्दर लाके दिखा पहले रुक जाना अभी लाके दिखा मैं चेक करूं आरएनडी तो करूं कैसे होता है डालिए इसके अंदर अब बताओ आरएनडी करो अब इसको बंद कर ठीक है अब मैं इसको कर लिखो है अब लिखा है ना इसे करो जिप मैं इसको कर रही जिप थोड़ा सा टाइम लग रहा है जिप करने में हो गया चलो अब क्या करोगे अब इसे फुसफुस करूँ जाना फुसफुस ये फुसफुस है ना अंदर खींचने वाली फुसफुस है तो बाहर वाली फुसफुस नहीं है कि इससे फूल जाएगा अब हमको इसको पिचकाना है ना ताकि हमारे को कुछ हो रहा है ये तो आप हवा भर रहे हो नहीं पायल अरे जिद तो हुई भाई अरे यार पायल मैंने अच्छे से कर रही थी पायल ने कहा इसके साथ ये क्या है दिया वो देखना अरे रुक जा यार जिप बंद करने का तो नहीं दिया है नहीं नहीं इसे बंद अच्छे से होती है पायल टाइम लगता है बेटा तू क्या करती है जल्दबाजी में करती है आराम से हाँ हो रहा है 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 समझ गई हम ऐसे पिचकाएंगे सबको अरे पायल शांति ये ना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटा कर देता है जैसे बड़ी बड़ी रजाइयाँ होंगी और रखने में मुश्किल होती है ना इसमें डाल के रखो बड़ी रजाइयाँ नहीं है छोटी छोटी चीजें हैं बाल नहीं इसके बड़े भी पैकेट आते हैं अभी हमने छोटा ट्राई करने के लिए मंगाया है थोड़ा ऐसे 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 करने वो छोटा हो जाएगा दम लगता गई हो हाँ मैंने भी बात बोली मैंने उस दिन ना वो किया था ये ज्यादा लपचा दिया बस 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 ये वापस भी निकालना है अभी बस गुड में समझ गई तो हमारी आरएनडी हो गई सक्सेसफुल ये हमने कई चीज मंगाई वो पत्थर हो गए तो हड्डी लड़ाई हो जाएगी ना यही देख जिससे भी होगी सुखा दिया बेचारे ये तो बिल्कुल जैसे प्रेस मशीन नहीं होती प्रेस अब इसको खोले कैसे यहाँ से खोल दे बस नॉर्मल खोल के ये भी तो देखना पड़ेगा ना कैसे खुलेगा खुलेगा तो ऐसे ही इसमें कुछ आफत हो रही है ये सही है यार सही है सांस काम करो आ जाओ काम वालों काम दूंगी जल्दी आ जाओ आएगा इसमें नहीं आएगा वो बड़े वाले में आएगा जंबो वाले जंबो वाला भी मंगवाया हमने इसमें दो आ जाएगी एक साथ पक्का अरे मेरी माँ अब तो ऐसे भी आ जाएगा इसको खड़ा कर लंबा कर ये ले खड़ा कर दिया अब डाल इसमें जंबो है ना ये एक बात बोलूं पहले इसमें तूने कहा दो आ जाएंगे तो फिर है पन्नी को अरे पन्नी नहीं फटेगी पन्नी नहीं फटेगी तू टेंशन मत ले हट जा मैं कर दूंगी अब तो तू कर ही रही है याद घुसा दिया मैंने
बात बोलूं पहले, जंबो के साथ कुछ और भी डल जाएगा। हाँ वही तो कह रही हूँ, दो डल जाएंगे इसमें, बस हार मत देना। तू टेंशन मत ले, और डाल और डाल और डाल। ला शांति, इसमें एक और चीज काम करेगी। ये मंगाया है अब, मंगाया नहीं है, इसके अंदर था। ऐसे करेगी तभी तो दूसरा आएगा। हाँ। अब तू जिप लॉक मत करियो, मैं नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ ये पूरा दे दे, पूरी चद्दर के साथ बेडशीट है इसमें, पिल्लो कवर। हाँ, कवर कितना जोर लग रहा है? बहुत जोर लग रहा है। आज शिफ्ट कर दिया, कवर कर दिया इसको, बहुत बालो वैसे हल्का है, वैसे टाइट हो गया पत्थर जैसा। हाँ दर्द हो गया करते करते। मैं करूँ? नहीं नहीं मैं कर दूंगा। पक्का? हाँ, मुझे दो चार और करने। देखो पिकू, सारा खुद ही करोगे क्या? हाँ जी बेटा, छोड़ दो, अपने आप कर देंगे। नहीं देखो ना, दो मिनट में कितना कर दिया मैंने, पकड़ के देखो। बहुत सारे करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। मैं घर का मर्द हूँ, मेरे को काम जो दे दो वो कर दूंगा मैं। देखो मैंने कितनी मेहनत की, वेरी गुड वेरी गुड। कल तो आपकी जुत्ती है पर भी मेरी चट्टी है। ओ, बल्ले बल्ले। तो बस अभी जो है ये सब तो चीकू ने पैक कर दिया, और भी बहुत सारा सामान है जो मैं कल पैक करूंगी। ये मैंने ट्रायल के लिए मंगाए थे, और सच में मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। इससे स्पेस जो है वो बहुत कम घिरेगी बेड में, या फिर कहीं पे भी अलमारी में, हम जहाँ पे भी लगाएंगे, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी और थोड़ी चीज और इसमें बड़े साइज एक्सेस साइज मंगा के देखती हूँ, फिर मैं आपको अच्छा से रिव्यू दूंगी कि आपको ये मंगाना चाहिए कि नहीं। जैदू बच्चा ठीक हो गया, जैदू बच्चा ठीक हो गया। अभी इसको क्रीम ना रात को लगाकर सुलाना है, अभी नहीं लगा सकती क्रीम ना, क्योंकि अभी लगाऊंगी तो खा लेगा। हाँ है ना, तो रात को जब सोएगा ना तब क्रीम लगानी। इसके फेस पे कुछ ज्यादा ही हुआ था, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। कल नारियल का तेल लगाया था, क्रीम लगाई थी? नहीं कुछ भी नहीं लगाया। कल लगाया था, क्या लगाया था मैंने? क्रीम ही लगाया था फेस पे। हाँ हाँ हाँ, चीज आयान वाली क्रीम लगाई थी, बट डॉक्टर ने दूसरी क्रीम दी। आयान की अलग है, जैद की अलग है। तू बुरानी बड़ी सयानी, वॉकर देख के नाचती जाने के लिए बोलती। मच्छी नहीं खाते बेटा, पक्षी नहीं खाते बेटी, पक्षी नहीं खाते, पक्षी खाते है तो इति इति हो जाती है, इति इति गंदी बात होती है। वेजिटेरियन बनना है, वेजिटेरियन। इधर मासी के पास कम एयर। आपने चोंपी की है शिपे, दिखाओ आपको स्टाइल। नो ऐसे करके ऐसे कर देती हूँ, फिर आपको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ। स्कर्ट पहन के जाओगे स्कूल? टोपी और टोपा, ये सुनती बहना। थोड़ी देर पहले ना बच्चों ने दाल खाई थी, तो अभी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं ना पनीर का पराठा बना देती हूँ। बच्चे पनीर बहुत खुश होके खाते हैं, खुश होके खाते हैं। दोनों भाग भाग के आगे भाई हूँ। आनो आपके लिए मौसी ने पी का पाठा बाया है, पी का पाठा खाओ। बिच्चू मैंने बिच्चू अली तो बड़ा हो गया मेरा बच्चू। तो यहाँ पर बच्चों ने पनीर का पराठा बन गया है, फटाफट बच्चे पीछो। और मेरी काटियों को पनीर का पराठा खिलाते हो। अबू आपके लिए पनीर का पराठा बनाया, खाओगे? नहीं खाते बिट्टू, चम्मच नहीं खाते। तो भाई चम्मच मैं लेके आई थी बच्चों के लिए, ये ना बिल्कुल सिलिकॉन है, बहुत ही सॉफ्ट है, बच्चों के मुंह में बिल्कुल भी नहीं लगता है। बिल्कुल ही जैसे रबड़ नहीं होती, देखो बच्चों की बॉटल्स होती हैं, पिपल होता है, बिल्कुल वैसा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो गाइस अभी जैद तो सो गया है, आयान और तुबा जा रहे हैं, इन दोनों को खिला देती हूं पहले, फिर जैद के लिए अलग से बना दूंगी मैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 11, और बस अब हम लगे हैं सोने, जिम वगैरह सब कुछ हो गई है हमारी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।